अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, हमारा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, साल्ट्स क्या होते हैं, हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इनके यूजेस क्या होते हैं, साल्ट्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, और हम पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अगर सबसे पहले हम समझें कंपाउंड, कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या होता है। तो कंपाउंड को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, ये हमारे पास मैटर है, इसकी टू टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास इसकी जो एक टाइप है वो है, यह बता दिया इसे भी मैटर में, हमारे पास एक इसकी टाइप है मिक्सचर और दूसरी हमारे पास है सब्सटेंस, ठीक है। जो हमारे पास सब्सटेंस होता है ना, ये होता है प्योर फॉर्म में, जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास होता है इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है। मैटर की टू टाइप्स है, मिक्सचर और सब्सटेंस। सब्सटेंस प्योर होता है, मिक्सचर इम्प्योर होता है। और जो सब्सटेंस होता है उसकी आगे से टू टाइप्स होती हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ठीक है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब कंपाउंड हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड रेशियोज के साथ जब चीज़ें कंबाइन करती हैं ना, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड जो है ना, ये भी दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें अगर लेट सपोज हमारे पास 118 जो है वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो सिवाय हमारे पास कार्बन के, एक्सेप्ट कार्बन, बाकी जितने भी, बाकी कितने बचते हैं 117, तो कार्बन के अलावा 117 एलिमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक में बिलोंग, इनऑर्गेनिक ग्रुप से, ये इनऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब 117 में फिर क्या क्या हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकती हैं, और हमारे पास साल्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जनरल था कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में फिक्स्ड रेशियोज़ के साथ कंबाइन करती हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड। अब कंपाउंड की टाइप्स हमने देख ली हैं, हम कहते हैं कि कंपाउंड की एक एग्जांपल लेते हैं। तो कंपाउंड की एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि दो जब फिक्स्ड रेशियोज़ के साथ कंबाइन करें, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, H2O, ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन की कितनी रेशियो है, 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की 1, 2:1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दो आपस में फिक्स्ड रेशियो जो है वो यहाँ पे कंबाइन किए हैं। अगर हम हाइड्रोजन ये मान ले लें H3O+, तो इसमें रेशियोज क्या होंगी, 3:1, 3:1, ठीक है। अगर हम ले लें H2O2, ठीक है, तो इसमें रेशियोज क्या आ जाएंगे, 2:2, 2:2, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। अगर 3:1 होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन होगा, 2:1 होगा तो वो वाटर होगा। यानी कि फिक्स्ड रेशियो के साथ जब चीज़ें कंबाइन करती हैं तो उसको कहते हैं हम, ये हमारा क्या है, कंपाउंड, ठीक है। ये चीज़ हमने स्टडी कर ली। अब सेकेंडली हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड क्या है, ठीक है। तो एसिड को हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने क्या थॉट्स दिए, उन्होंने एसिड को किस तरह डिफाइन किया, और यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट ने एसिड्स को या किसी भी चीज़ को जब डिफाइन किया ना, तो उन्होंने अपना जो नज़रिया, अपना जो तजर्बा दिया, उन्होंने ना सिर्फ उस थेरी को प्रपोज किया, बल्कि उन्होंने इसको अपने लॉजिक्स दे के इनको, अपने जो थेरीज थे उनको डिफेंड भी किया। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई साइंटिस्ट है जाबरबिन हयात, उसने क्या कहा एसिड को, उसने किस तरह अपने आंसर को डिफेंड किया, ठीक है। तो अगर डिफरेंट साइंटिस्ट का काम देखते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अपने काम को किस किस तरह डिफेंड किया है। जाबर बिन हयान कहते हैं हम फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबर बिन हयान को हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसने हमारे पास जो है वो तीन एसिड्स बनाए थे, कहता है HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। तो इसने कहा, सबसे पहले इसने ये वाले तीन एसिड्स हमारे पास बनाए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
बाद में हमारे पास क्या हुआ कि 1787 में हमारे पास एक लेवाइजर साइंटिस्ट था, उसने एसिड को डिफाइन किया। वो कहता है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब इसमें बाइनरी हम कह लेते हैं रिलेशन को, रिलेशन यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को कहा कि हमारे पास एसिड्स होते हैं। 1787 में हमारे लेवाइजर जो है वो ये कह रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जांपल क्या भी कहते हैं कि CO2 SO2 हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एसिड्स हैं, यानी कि इनमें क्या आ गया, इनमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट है। तो ये कहता है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू लेवाइजर। फिर क्या हुआ, अब इसने ये चीज़ तो कह दी, अब इसने इसको डिफेंड कैसे किया। कहता है कि मैं इस तरह इसलिए कह रहा हूँ कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अगर हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अगर हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमें एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन हमें मिल गए तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एसिड प्रॉपर्टी रखते हैं। अब हम CO2 लेते हैं कि जब CO2 को वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H2CO3, यानी कि हमारे पास बन गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास SO2 है, तो SO2 के साथ जब हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हम कहते हैं कि H2SO4 हमारे पास जो है वो बनता है। ठीक है, यानी कि इनने जब वाटर में डिजॉल्व हुई चीज़ें तो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हमें मिले, तो लेवाइजर कह रहा है कि इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये एसिड्स हैं। अब अगर अगला साइंटिस्ट देखें तो हमारे पास सर हेम्फ्री डेवी ने क्या किया, इन्होंने 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने इसके आर्हेनियस के और इनके जो ऊपर वाले साइंटिस्ट थे इनके काम को रिजेक्ट किया, यानी कि उसने अपना नया कॉन्सेप्ट दिया पिछले के कामों को, उसने कहा कि ये सही नहीं है। और उसने भी इस चीज़ को बकायदा प्रूव भी किया, यानी कि 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ये एसिड को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एसिड्स में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या देते हैं कि हमारे पास HCl भी तो है ना, जबरबिन हयान कह रहे हैं कि HCl एक एसिड है, तो इसमें तो कोई ऑक्सीजन के एलिमेंट प्रेजेंट भी नहीं है, तो ये भी तो एक एसिड है ना। तो इसने ये कहा सर हेम्फ्री डेवी ने कि हमारे पास ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी वो चीज़ जो है वो एसिड प्रॉपर्टी रखती होगी। यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये कहना चाहा कि जो हाइड्रोजन है ना हमारे पास वो कंपलसरी होता है। ठीक है, एसिड में हाइड्रोजन जो होता है वो कंपलसरी होता है। फिर इन्होंने हमें जो बेस का कॉन्सेप्ट दिया, बेस के कॉन्सेप्ट में ये कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो हमारे पास मेटैलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी कि Na2O या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास मेटैलिक ऑक्साइड जो है वो बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास वाटर सॉल्युबल मेटैलिक ऑक्साइड्स रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, किसको, रेड को ब्लू में चेंज करते हैं जब, तो वो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, बेस की है। जब ब्लू में चेंज होगा तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, बेस की हो गई। इसलिए जो मेटैलिक्स हैं हमारे पास यहाँ पे बेस हैं। ठीक है, अगर इनको हम समझें, हम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम Na2O को लें और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जहाँ पे ये चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा हो गया, अब देखते हैं एसिड हमारे पास क्या है। एसिड एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लातीनी लफ्ज है, और इस ये एसिडस से निकला है, एसिडस। ये क्या होता है, सोर, ये उनका टेस्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो इंसान ने डिस्कवर कह लें कि इंसान ने सबसे पहला एसिड बनाया वो था एसिटिक एसिड।
अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एसिड था वो था एसिडिक एसिड, ये था एसिटिक एसिड, ये जो इंसान ने सबसे पहला एसिड बनाया था। अभी प्रेजेंट होता था विनीगर में, इससे प्रेजेंट है ये विनीगर में प्रेजेंट होता था। और इसके जो हमारे पास हैं ये हमारे स्टमक में जो जो हम पढ़ के आए कि जो HCl है वो एक एसिड है, और ये हमारे स्टमक में जो है वो सिक्रीट होता है। इसके भी बहुत से फंक्शंस हैं हमारे स्टमक के अंदर, अगर तो ये अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में सिक्रीट करेगा तो भी प्रॉब्लम्स काज होंगी, अगर कम करेगा तो भी हमारे पास प्रॉब्लम काज होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसके जो हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं वो फंक्शंस क्या हैं, मेन यहाँ पे इसके टू फंक्शंस हैं। पहला है कि ये हमारे जर्म्स को हमारे बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये फूड की ब्रेक डाउनिंग करता है, फूड जो है हमारे अंदर जाती है तो उसकी ब्रेक डाउनिंग ये करते हैं, ठीक है। अब कुछ ये होता है कि जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हम कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, इनकी एसिडिटी काज हो जाती है वहाँ पे। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एक अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं। हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, हम एक अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या होता है, हम कह रहे हैं कि HCl जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मसले हो गए हैं, हम अल्कलाइन मेडिसिन ले लेते हैं। अब देखना ये है कि किस तरह HCl का बॉडी में ज़्यादा होना और किस तरह अल्कलाइन मेडिसिन को यूज़ करने से हमारा जो है ये बैलेंस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि HCl इधर लिख लेते हैं, HCl प्लस अल्कलाइन हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, बेसिकली इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह हमारी बॉडी में जो HCl है वो भी अपनी एक नॉर्मल रेगुलेट रेंज पे आ जाता है और हमारी बॉडी में जितनी भी एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, एसिडिटी बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आज हमने जो पढ़ा है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन एसिड का, बेस का। हमने जाबिर बिन हयान का देखा एसिड के बारे में क्या ख्याल है, लेवाइजर का देखा, सर हेम्फ्री डेवी का देखा और उन्होंने किस तरह लेवाइजर के कॉन्सेप्ट को, लेवाइजर की एसिड के मुतालिक दी गई डेफिनेशन को किस तरह उन्होंने गलत साबित किया और अपनी जो नई डेफिनेशन दी उसको किस तरह उन्होंने प्रूव किया विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, हम इसमें आर्हेनियस का पढ़ेंगे, हम ब्रॉन्सवी लोरी का पढ़ेंगे, हम लेविस एसिड्स का पढ़ेंगे। तो हम इन डिफरेंट को यही देखेंगे कि इन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा और बेसिस के बारे में क्या कहा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम साल्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, साल्ट्स की प्रिपरेशन का मेथड क्या है, साल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं और साल्ट्स के यूजेस क्या होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे pH एंड POH का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आज हमने स्टडी किया है इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।